नमस्कार। अभी जो आज आपके साथ मैंने एक ग्रुप पे वीडियो शेयर किया और आपने देखा, उसमें हमने राजस्थान की लोकेशन के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन या जानकारी हासिल करी। अब हम राजस्थान की अवस्थिति या स्थिति की जो जनरल इन्फॉर्मेशन आपने वीडियो में ज्ञात करी, उसी को लिखकर दोबारा रिवाइज करेंगे। मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपके साथ राजस्थान का भूगोल, जो कि कोटा विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष भूगोल के पाठ्यक्रम का द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसका अध्ययन कर रही हूँ। तो हम राजस्थान की अवस्थिति या राजस्थान की लोकेशन के मेजर पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज करेंगे। राजस्थान की अवस्थिति, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक राज्य है। मतलब राजस्थान इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। यह भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित एक राज्य है। इसकी अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ के मध्य है और इसकी देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट है। मतलब यह 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य और 68 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित एक राज्य है। 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23 डिग्री 30 मिनट की उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, वह दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। अगर हम इसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन देखें, जैसा कि हमने अभी देखी इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, तो हमें यह पता चलता है कि राजस्थान पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध व पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मतलब यह टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा या इक्वेटर या ज़ीरो डिग्री लैटिट्यूड के पूरी तरह से उत्तर में स्थित है राजस्थान राज्य, और ज़ीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड या ग्रीनविच मीन लाइन के पूरी तरह से पूर्व में स्थित है हमारा राज्य राजस्थान। इसके आकार की अगर हम बात करें, तो राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर है और राज्य की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर्स है। यह आपने एक मैप के द्वारा वीडियो में भी देखा था। राज्य का कुल क्षेत्रफल 342,239 स्क्वायर किलोमीटर्स है। यह क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.74% एरिया कवर करता है और इसीलिए राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पूर्व में मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, पर छत्तीसगढ़ के बनने के बाद मध्य प्रदेश डिवाइड हो गया और अब राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अवस्थिति की बात की जाए, तो हम देखें कि राजस्थान की सीमाओं पर कौन कौन राज्य या देश स्थित हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और
इसके पश्चिम में पाकिस्तान देश है। इसके उत्तर व उत्तर पूर्व में पंजाब और हरियाणा राज्य हैं। राजस्थान की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संयुक्त है। दक्षिण व दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है और दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य है। इसका मतलब हमारे राज्य राजस्थान की भारत के 5 राज्यों से सीमाएं संयुक्त हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, तथा पश्चिम में पाकिस्तान देश हमारे राज्य की सीमा पर स्थित है। अगर इसकी सीमाएं देखें तो यह पता चलता है कि राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है और कोई बड़ी जलराशि राज्य के निकट नहीं है। इसका मतलब राजस्थान कम्प्लीटली एक लैंड लॉक्ड स्टेट है और इसकी यह स्थिति इसकी जलवायु या क्लाइमेट को प्रभावित करती है। तो ये थी राजस्थान की अवस्थिति या राजस्थान की लोकेशन के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट्स, जिनका कि हमने वीडियो में भी देखा और अभी रिटन इनका एक रिवीजन किया। थैंक यू।